नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार के रुपसपुर के रहने वाले अयांश को बचाने की मुहिम बिहार में तेज हो गई है। पूरे देश में दुआओं का दौर जारी है। 10 महीने का अयांश आज ऐसी बीमारी से जूझ रहा है जिसकी शायद ही हमने और आपने कल्पना की होगी। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की बीमारी से अयांश ग्रसित है, जिसके कारण 10 महीने होने के बावजूद अयांश की ग्रोथ रुक गई है। हालांकि यह पल अयांश के माँ बाप के लिए कितना भारी होगा, ये हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। शायद ही अयांश के माता पिता ने सोचा होगा कि उनके बेटे की बीमारी के इलाज के लिए पूरा बिहार एकजुट नजर आएगा, लेकिन ऐसा हुआ। तमाम मीडिया चैनल की पहल के कारण ही आज अयांश को बचाने के लिए बिहार से लेकर दूसरे देश के लोग भी मदद का हाथ आगे बढ़ाने लगे हैं। वर्ग चाहे कोई भी हो, हर कोई अयांश की मदद के लिए आगे आ रहा है। आलम ये है कि सड़क से लेकर सदन तक अयांश की मदद के लिए सहायता राशि आने लगी है। कई युवाओं ने भी सड़कों पर लोगों से मदद की मांग शुरू कर दी है। वहीं दूसरी तरफ सदन में भी अयांश को बचाने की मांग उठी है और कई सांसदों और विधायकों ने भी अब तक अपनी तरफ से मदद की गुहार की है। इस बीच ऐसी मदद सामने आई है जिसके बारे में आप भी सुनकर वाह वाह जरूर कहेंगे, क्योंकि इस बार मदद के लिए कोई नौकरी पेशा व्यक्ति या कोई बड़े पद पर पदस्थापित विधायक या सांसद नहीं, बल्कि मदद के नन्हे हाथ सामने आए हैं। जी हां, आपने सही सुना, 10 महीने के छोटे से अयांश को बचाने के लिए मीठापुर की दो बच्चियां सामने आई है, जिसका नाम है तेजस्विनी और शिवान्या गुप्ता, जो LKG और तीसरी कक्षा की छात्राएं हैं, जिन्हें शायद ही इस बात का कोई अंदाजा होगा कि अयांश को कौन सी बीमारी है या इस बीमारी का नाम क्या है। इस उम्र में बच्चों को दुनियादारी की कोई समझ नहीं होती है। ऐसी उम्र में इस बात को समझना कि एक मासूम जिंदगी और मौत की जंग में फंसा है, उसकी जितनी मदद हो सके उतनी की जाए, इसी उम्मीद और हौसले के साथ दोनों बच्चियों ने अयांश की मदद के लिए अपनी गुल्लक फोड़कर लगभग 5,000 रुपए का दान किया है। इतना ही नहीं, बक्सर के प्रत्युष ने भी अपनी गुल्लक को फोड़कर 2,000 रुपए दान किए हैं। अगर आपको याद हो तो ये वही प्रत्युष है जिसने कोरोना काल में गरीबों की मदद के लिए गुल्लक फोड़कर पैसे दान किए थे। हालांकि इन सभी बच्चों को 16 करोड़ कितनी बड़ी राशि है इस बात का अंदाजा भी नहीं है, लेकिन छोटी उम्र से ही जमा किए पैसे को दान में देकर दरिया दिली दिखाने की पहल इन बच्चों ने की है। इसके बाद अब अयांश के माता पिता को भी 16 करोड़ की असंभव राशि संभव दिखाई दे रही है। अयांश के माता पिता की माने तो अयांश की मदद के लिए भगवान ने सारे रास्ते खोल दिए है। यही कारण है कि उम्र चाहे जो हो, मदद के हाथ सामने आने लगे है। वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से तालाब भरता है, यही मुहावरा अब सही साबित होता नजर आ रहा है। लगातार लोगों के प्रयास से ही अयांश को संजीवनी मिलने की उम्मीद की किरण अब दिखाई देने लगी है। अयांश के माता पिता को भी इस बात की उम्मीद है कि अब शायद उनका बच्चा इस गंभीर बीमारी को हरा पाएगा। हालांकि बिहारी न्यूज की तरफ से हम भी आपसे यही अपील करते हैं कि आप अपनी क्षमता के अनुसार दिल खोल कर दान करें, क्योंकि सिर्फ पैसों के अभाव के कारण अगर किसी बच्चे की जान जाती है तो ये उस बच्चे के साथ इंसाफ नहीं होगा। बहरहाल हम उम्मीद यही करते हैं कि अयांश को बचाने के लिए जिस तरह से ये नन्हे हाथ सामने आए हैं, वैसे ही मदद की दरकार आगे भी आती रहे। हमारे और आपके सहयोग से यह मुमकिन हो सकता है। ऐसे में कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि इस मुहिम का हिस्सा बने और अयांश की जिंदगी को बचाए। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।